प्यारे बच्चों, महामना के इस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। जैसा कि हम पढ़ रहे थे क्लास ट्वेल्थ यूपी बोर्ड जीवों में जनन की प्रक्रिया जो हम बताए थे, या जो होता है जीवों में प्रजनन की प्रक्रिया, वो सामान्यतः दो प्रकार की होती है। एक होता है अलैंगिक जनन, जिसको असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के नाम से जानते हैं। दूसरा होता है लैंगिक जनन, जिसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के नाम से जानते हैं। इसके अतिरिक्त एक और प्रजनन की प्रक्रिया होती है, जिसको कायिक जनन के नाम से जानते हैं, या जिसको वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के नाम से जानते हैं। जैसा कि अलैंगिक जनन की प्रक्रिया लोवेस्ट कैटेगरी यानी निम्न स्तर के जीवों में होता है, इसको हम बता चुके थे। दूसरा जो है कायिक जनन, जिसको वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कहते हैं, इसकी कौन कौन सी विधियाँ होती, इसके बारे में भी हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, अब तीसरा आता है लैंगिक जनन। लैंगिक जनन का आशय क्या होता है? ठीक है, लैंगिक जनन, जिसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के नाम से जानते हैं, लैंगिक जनन की प्रक्रिया ये उच्च श्रेणी के जीवों में होती है, जिनका शरीर बहुकोशिकी होता है। कुछ इसके अपवादों को छोड़ दिया जाए तो ये प्रायः बहुकोशिकी जीवों में पाया जाता है। इनमें लैंगिक जनन में क्या होता है कि नर और मादा का विकास होता है। इसमें एक शरीर से जीव की उत्पत्ति नहीं होती है, इसमें नर और मादा दोनों के मिलने से इनमें प्रजनन की प्रक्रिया होती है। और प्रजनन के दौरान ही इनमें क्या होते हैं, उनकी नई संतति की उत्पत्ति होती है। ठीक है, अब इनमें जीवन की अवस्थाएं अगर देखा जाए तो इनके जीवन की अवस्थाएं होती हैं। ये जीवन की अवस्थाओं के अंतर्गत देखा जाए, जब लैंगिक जनन जिनमें होता है, एक जीव यदि मैच्योर हो जाते हैं, मतलब पूर्ण रूप से विकसित हो जाते हैं या परिपक्व हो जाते हैं, तो इनमें लैंगिक जनन की प्रक्रिया संपन्न होती है। इसके अंतर्गत जीवन की अवस्थाओं के अंतर्गत देखेंगे तो किशोरावस्था आता है और दूसरा प्रजनन अवस्था आता है। किशोरावस्था के अंतर्गत ऐसी अवस्थाएँ होती हैं जिनमें नर युग्मक और मादा युग्मक के बनने की प्रक्रिया प्रारंभ होती है, उसी अवस्था को हम क्या कहते हैं, किशोरावस्था के नाम से जानते हैं। ठीक है, इस अवस्था में अगर देखें बात करें मनुष्य की या जंतुओं की, जो स्तनधारी जंतु होती हैं, तो उनमें एक किशोरावस्था आती है। किशोरावस्था का मतलब होता है जिनमें जननांग विकसित अवस्था में होने लगते हैं या कर सकते हैं, उनमें नर युग्मक और मादा युग्मक के बनने की प्रक्रिया उनमें प्रारंभ होने लगती है, उस प्रक्रिया को ही हम किशोरावस्था के नाम से जानते हैं। जैसे अगर मनुष्य की बात करें तो मनुष्य में जो किशोरावस्था माना जाता है 12 से लेकर के 18, मतलब 12 to 18 ईयर्स माना जाता है। इस अवस्था में जो शरीर का विकास जो होता है तीव्र गति से होता है और इसमें बहुत सारे परिवर्तन पाए जाते हैं। बहुत सारे परिवर्तन का मतलब लड़कों में जो अवस्थाएं होती हैं उनके शरीर पे घने बाल या बाल का विकास होने लगता है, उनकी आवाज़ उच्च हो जाती है, और जो जननांग होते हैं जननांगों पे बाल उगने लगते हैं। इसके अलावा इनमें हार्मोन्स का विकास होने लगता है, जो नर युग्मक यानी गैमिट अर्थात स्पर्म यानी जिसको हम शुक्राणु कहते हैं, उनके बनने की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है, जिसमें पुरुषों में माना जाता है 14 से लेकर के 15 वर्ष की अवस्था। ठीक है, जिसको किशोरावस्था के नाम से जाना जाता है, जिसमें गैमिट का फॉर्मेशन होने लगता है। महिलाओं में जो होता है 13 से लेकर के 14 वर्ष माना जाता है। इनमें भी क्या होता है, किशोरावस्था की प्रक्रिया में आवाज़ धीमी यानी मधुर हो जाती है, इसकी पिच जो होती है स्लो हो जाती है, वह स्तन ग्रंथियों का विकास होने लगता है यानी विकसित अवस्था में होने लगती है। इसके बाद जो बैक रीजन होता है वहाँ पे मसल्स का डेवलपमेंट ज़्यादा होने लगता है, जो प्रेगनेंसी के दौरान उनमें बच्चे के पैदा होने की प्रक्रिया को आसान बनाता है, यानी उनमें सहन शक्ति की प्रक्रिया को क्या करता है, एडाप्ट करने की या कह सकते सहन शक्ति को प्रदान करता है। अब देखते हैं किशोरावस्था के बाद, यानी किशोरावस्था की जो अवस्था होती है 12 से लेकर के 18 वर्ष माना जाता है,
पुरुष पुरुषों में नर युग्मक और मादा मादा में जो होते हैं मादा युग्मक का निर्माण होता है। यानी कह सकते हैं पुरुष में जो वृषण कोशिकाएँ होती हैं वो सक्रिय अवस्था में आने लगती हैं और महिलाओं में जो है अंडाशय कोशिका होती हैं वे सक्रिय अवस्था में आने लगती हैं। यानी वृषण में शुक्राणु बनने लगते हैं और अंडाशय जो होते हैं उसमें ओम का निर्माण यानी अंड कोशिका का निर्माण होने लगता है। उसके बाद की जो अवस्था आती है प्रजनन अवस्था। प्रजनन अवस्था वह अवस्था होती है जिसमें प्रजनन की प्रक्रिया संपन्न होती है। मतलब इसको सामान्य भाषा में कह सकते हैं फर्टिलाइजेशन या जनन की प्रक्रिया संपन्न होने लगती है, उसी को हम क्या कहते हैं प्रजनन अवस्था के नाम से जानते हैं। आप यदि इस YouTube चैनल पर नए हैं तो इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने ग्रुप में शेयर करें। जो भी सुझाव या कमेंट हो आप अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर आप इसके अलावा किस टॉपिक पे पढ़ना चाह रहे हैं, किस टॉपिक पे चाहते हैं कि हम लेक्चर अलग से बनाएं, तो उसके लिए आप हमें अवगत करा सकते हैं कमेंट के माध्यम से। ठीक है, अब आइए देखते हैं प्रजनन की अवस्था। प्रजनन की अवस्था के आधार पे जो जीव होते हैं उनको दो भागों में बांटा जाता है। प्रजनन काल के आधार पर जीवों को दो भाग में बांटा जाता है। देखते हैं ये जो होता है मोनोकार्पिक और पॉलीकार्पिक। मोनोकार्पिक का मतलब होता है ऐसे जीव जो जीवन में बस केवल एक बार अपने बच्चे या संतति को जन्म देने के बाद उनका क्या हो जाता है, मतलब एक बार ही आप जनन की प्रक्रिया को संपन्न करते हैं और उनकी जीवन लीला समाप्त हो जाती है, यानी वो मर जाते हैं। ऐसे प्रकार के प्रजनन को हम क्या कहते हैं मोनोकार्पिक प्रजनन के नाम से जानते हैं। जैसे गेहूं में, मक्का में, चावल और बाजरा में, अर्थात गेहूं, मक्का, चावल, बाजरा अगर एक बार इसकी खेती की जाती है, बो दिए जाते हैं, जब ये मैच्योर हो जाते हैं, जब इनमें प्रजनन की प्रक्रिया संपन्न हो जाती है, तो संपन्न होने के बाद जब इसमें फल फूल व बीज का निर्माण हो जाता है तब इसको ये क्या हो जाते हैं नष्ट हो जाते हैं या इनकी कटाई कर दी जाती है, फिर इनमें दोबारा प्रजनन नहीं होता है। मतलब साल में बस जब भी ये बोए जाते हैं जीवन काल में एक बार ही इन्हें संतान उत्पन्न करने की या कह सकते हैं फल फूल फल इत्यादि लगने की प्रक्रिया संपन्न होती है, जिसको मोनोकार्पिक के नाम से जानते हैं। दूसरा होता है पॉलीकार्पिक। पॉलीकार्पिक के अंतर्गत ऐसे जीवों या जंतुओं या वनस्पतियों को रखा जाता है जिनमें जन्म करने की प्रक्रिया जो होती है एक से अधिक बार होती है, यानी एक से अधिक बार वो अपने बच्चों को जन्म देते हैं, यानी फल फूल व पत्ती बनने की प्रक्रिया होती है या उनमें एक से अधिक बार प्रजनन की अवस्था पाई जाती है, प्रजनन करते हैं। पॉलीकार्पिक के अंतर्गत जो होते हैं आम होते हैं, अमरूद होते हैं, सेब इत्यादि के पौधे पाए जाते हैं, यानी इनमें एक से अधिक बार फल फूल इत्यादि ये लगते हैं, ये पॉलीकार्पिक होते हैं। अब देखते हैं जंतु प्रजनन, एनिमल ब्रीडिंग होता क्या है। एनिमल ब्रीडिंग यानी जंतुओं में जो प्रजनन की अवस्था होती है उसके निम्न बिंदु होते हैं जिसको मेस्ट्रुअल साइकिल यानी रजोधर्म, ओस्ट्रस साइकिल जिसको मध चक्र, और मतलब दो भागों में ये संपन्न हो जाती है। देखिए अब जो रजोधर्म की एक अवस्था होती है मेस्ट्रुअल साइकिल, ये जीवों में एक मासिक चक्र के नाम से जाना जाता है, यानी ये एक क्रमिक चक्र होता है, यानी महीने में प्रत्येक महीने में एक बार संपन्न होती एक निश्चित अवस्था होती है जिसमें अंडाणुओं के बनने की प्रक्रिया संपन्न होती है, उसी को रजोधर्म के नाम से जानते हैं। अर्थात प्रत्येक महीने में फीमेल में अंड कोशिका में अंडाशय अंड कोशिका में अंड के बनने की प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के नाम से जानते हैं। मतलब अंडाशय में कुछ ऐसे उभार आने लगते हैं जिसमें अंड कोशिका यानी ओवम का डेवलपमेंट होने लगता है। ठीक है, एक निश्चित अवस्था तक होती है, इसका जो अवधि मानी जाती है एक से लेकर के 28 दिन तक की ये प्रक्रिया चलती है, जिसमें स्टार्टिंग के जो 1 से 7 दिन की जो प्रवस्था होती है
वो विशेष अवस्था होती है, ठीक है, जिसमें अंड कोशिकाओं के बनने के बाद उनके निकलने की प्रवस्था के नाम से जानते हैं, ठीक है। दूसरा जो होता है मध्यचक्र, मध्यचक्र का मतलब ओस्टस साइकिल के नाम से जानते हैं। इस अवस्था में ओस्टस चक्र में जो होता है मादा के रुधिर में, यानी जो इनके कह सकते हैं कि जो जनन ग्रंथियां होती हैं उनमें, या ओवरी की जो रुधिर कोशिकाएं होती हैं उनमें एस्ट्रोजन नामक हार्मोन का श्रावण तीव्र गति से बढ़ जाता है, और इस अवस्था में इनमें जो प्रजनन की प्रक्रिया करने की तीव्र इच्छा होती है, और इसी अवस्था में ये क्या करते हैं, प्रजनन की प्रक्रिया यानी इस अवस्था को संपन्न करने का कार्य करते हैं, ठीक है। ये अवस्था जो होती है पाया जाता है इनमें। इसके बाद इस अवस्था में जो होता है कुछ जीव अलग अलग होते हैं, जिनमें प्रजनन की अवस्था जो होती है अलग अलग टाइम के आधार पे होता है। इसमें यह एक टाइमिंग के आधार पे चलता है, जैसे कुछ जंतु ऐसे होते हैं उनमें जो प्रजनन की अवस्था होती है कुछ विशेष टाइम तक ही संपन्न होते हैं, ठीक है, यानी मध्य चक्र की जो अवस्था होती है कुछ अलग अलग टाइम पीरियड के आधार पे संपन्न होता है। जैसे कुत्ते हो गए, कुत्ते में लगभग ये प्रक्रिया जो होती है कुत्ते और बिल्ली में 18 घंटे तक यह प्रक्रिया संपन्न होती है, यानी 18 घंटे तक ये प्रजनन की अवस्था चलती है। उसके बाद जो होता है हिरण हो गया, हिरण में लगभग 1 सप्ताह की ये अवस्था पाई जाती है, ठीक है। ये प्रक्रिया जो होती है मध्यचक्र की अवस्था के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा कुछ जंतु ऐसे होते हैं जो जीवन में कई बार यानी साल में कई बार वे उनमें प्रजनन की प्रक्रिया संपन्न हो जाती है या संपन्न होती है, जैसे चूहा हो गए, उनमें प्रजनन की अवस्था जो होती है साल में कई बार होती है, ठीक है, ये सारी प्रक्रियाएं संपन्न होती है। अब इसके बाद आता है जो जीवन की अवस्थाओं में पहला किशोरावस्था, दूसरा प्रजनन अवस्था और तीसरा जीर्ण अवस्था, यानी सिंसेंस फेज के नाम से जानते हैं, ठीक है, ये प्रक्रिया पाई जाती है। अब इसके बारे में जीर्ण अवस्था वह अवस्था होती है, मतलब प्रजनन अवस्था के बाद, यानी जो प्रजनन अवस्था होती है उसके बाद की अवस्था होती है, जिसमें जंतु में होता क्या है, इनकी शरीर की जितनी भी कोशिकाएं होती हैं ये कमज़ोर होने लगती हैं, यानी इनका क्षरण होने लगता है, और क्षरण होने के बाद ये ढीली होने लगती हैं और ये अपने प्राकृतिक मृत्यु के तरफ करीब आती हैं, अर्थात एक निश्चित आयु के बाद इनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। इस चैप्टर के बारे में जो अगला चैप्टर उसके बारे में डिस्क्राइब मतलब विस्तार से पढ़ना है, वहाँ पे हम आपको अच्छी तरीके से समझाएंगे, ठीक है। जो भी आपकी प्रतिक्रिया हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर नए हैं इस चैनल पे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस चैनल को अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू।